कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़ आज आ रही है मेरी छोटी बहन फरजाना, उसे लेने गए थे मेरे देवर सा इमरान भाई, तो बस लेकर आ गए हैं। तो उसे रिसीव करने के लिए हम बाहर जा रहे हैं। हमारी उसमें उठाने लगी कपड़े, आज बहुत ढेर सारे कपड़े धुले हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं बची अंदर भी। इतने ढेर सारे कपड़े मैंने धुले हैं कि अंदर भी जगह नहीं बची, क्योंकि ईद की वजह से मैं धुल नहीं पा रही थी। और फिर हमारे यहाँ गमी हो गई थी, मेरी बड़ी सास ख़त्म हो गई थी तो मैं उधर लग गई थी, हम लोग तो धुल नहीं पा रहे थे मैं और उज़्मा। तो देखिए अभी उज़्मा उठाने लग गई क्योंकि सूख गए हैं, और मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है, 1:15 का टाइम है, और अंदर तो इतने सारे कपड़े कि मैंने एक के ऊपर एक डाल रखे हैं। बस आ गए इमरान भाई हमारे फरजाना को लेकर, क्या आ रहे हैं सामने से। फरजाना को तो रात में नींद भी नहीं आई होगी पूरी रात। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इज़्मा बाजी भी इंतज़ार कर रही है छोटी बहन के आने का। ये फरजाना बड़ी होगी उसमें तुमसे, कर क्या रहे इमरान ही आए। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी छोटी बहन आ चुकी है, और इमरान भाई लेने गए थे उसे शिवपुरी, तो वो आ गई है। तो बस अभी उसे रिसीव करने के लिए हम लोग बाहर आए हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं, और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि काफ़ी सालों के बाद वो आई है। वालेकुम अस्सलाम। ओम फो कब से इंतज़ार कर रहा है, 3 सालों से बाबू सो रहा है। यही रख दे वाली फरन, रख दे अब। ये देखो ये आ गई, पानी पी रहा है इनका फरजाना आपा का। हाँ तभी नहीं पी रही। ट्रेन में सब चीज खत्म कर दी होगी, तुम तो ट्रेन से आई हो ना, तो कार से आई हूँ मैं, सोच रही हूँ ट्रेन से आई हूँ। ये हमारे जैद बाबू सोए हुए हैं, हमारे चीबू आपा। देखिए गाइस ईद वाले दिन भी हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, और देखिए ये हमारी फरजाना से कैसे चिपका हुआ है। जैद खाना वाना हो गया फरजाना का, फरजाना ने सो भी लिया। अभी कितना टाइम हो रहा है, 4:30 का टाइम हो रहा है यहाँ। फरजाना खाना वाना खाकर सो गई थी, और मैं अपना वीडियो एडिट करने लग गई थी, और देखें जेरी वहाँ बैठी है, ओ वहाँ सामने बिल्कुल ज़रा ज़रा दिख रही है जेरी। और ये जैद बाबू सोकर उठे हैं, जैद बाबू और इनकी मम्मा सो रही थी। अभी हमारी बड़ी वी को नहीं पता, हमारी बड़ी वी को नहीं मालूम कि फरजाना आ गई है। फरजाना का अचानक से आना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये देखो जेरी, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखो फरजाना झूला झूल रही है, फरजाना की बेटियों को बहुत अच्छा लग रहा है। करीम खाला हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, लेकिन हमें पापा भेजते नहीं थे और हम आ नहीं पाते थे, लेकिन इस बार फाइनली हम आ ही गए। जैद तो गाइस यहाँ पर मैं आई हूँ अंदर, और हमारी उज़्मा ने बना ली है सभी के लिए चाय, तो सबके लिए उज़्मा चाय निकाल रही हैं, और फरजाना जैद बाबू को लेकर गार्डन में बैठी है। वो आज पहला दिन है तो थोड़ी सी बोर हो रही है, उसे बेकार लग रहा है क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद आई है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो बस अभी हमारी नहा कर आ गई है। खाला के घर पे आ गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लड़कियों को तो अच्छा लग रहा है, मम्मी को अच्छा नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए हैं कुल्फ़ी वाले भैया, और मैं दिलाने लगी हूँ सभी बच्चों को कुल्फ़ी, और हम बड़े भी खाएंगे। तो कुल्फ़ी बहुत अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी मटका कुल्फी। ये देखो हमारे जैद बाबू को फरजाना की गोद में ही कुल्फी खाने लग गया, और माशाल्लाह कुल्फी अच्छी लगती है उसे, लेकिन वो मूड़ी है, कभी खाता है और कभी नहीं खाता है। तो बस अभी खिला रही है फरजाना कुल्फी। तो गाइस हमारे जनाब आ चुके हैं, बनाना ले आए बच्चों के लिए, इतनी सारी चीज ले आए लड़कियों के लिए फरजाना की, और मैंगो ले आए, बहुत सारे मैंगो आ गए। और उज़्मा बना रही हैं आशी अतिया रेहान फरान के लिए मैगी, क्योंकि ये लोग खाना नहीं। तो बस अभी मैं फ्रूट निकाल रही हूँ, और हमारी फरजाना आ गई है तो बहुत अच्छा लगने लगा, घर में रौनक सी आ गई है। मैगी खाने का
ये देखिए बच्चों के लिए ये मैं टेस्टी उस माने मैगी बनाकर रेडी कर ली है। ये देखें गाइस हमारे जैद बाबू सुबह सुबह रेडी हो गए मार्केट जाने के लिए। तो ये जा रहे हैं सब्जी मंडी, बड़ी मंडी। सब्जी मंडी क्या लेने जा रहे हो? प्याज। प्याज लेने जा रहे हैं जैद बाबू और लहसुन लेने जा रहे हैं ना, स्टॉक करने के लिए। तो जनाब जा रहे हैं हमारे लहसुन और प्याज लेने के लिए, क्योंकि हमें स्टॉक करके रखना है इसलिए। और ये हमारे जैद बाबू तो बस बड़े पापा जाएं तो ये तो पहले जाते हैं, ये देखें। और फिर तो बड़ी मम्मा को देखता भी नहीं है ना जैद, फिर तो देखते भी नहीं हो बड़ी मम्मा को। और गाइस आज हो गया है नेक्स्ट डे, तो अभी ताला भी नहीं खुला हमारे यहाँ, सुबह ही सुबह जा रहे हैं। कौन सो रही है? वो है आशी, उठ गई। ये गाय बैठी हैं और देख रही हैं गाय। हट जाओ जल्दी से, निकलेंगे। हाँ जल्दी हटो, नहीं हटना, हट जाओ। जेरी कहाँ है? जेरी सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है, बढ़िया लगता है सुबह सुबह, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो बस अभी ये लोग निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग में जो भी पसंद आया मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को क्या पसंद आया। तो बस यहाँ पर हमारे जनाब ले आए हैं प्याज जो हमें स्टोर करके रखनी है, तो मम्मी और फरजाना रखने लगी हैं। तो बस अभी यहाँ पर मेरी चल रही है अंदर खाने की तैयारी, और फरजाना ने मम्मी के साथ में प्याज रखवाना शुरू कर दिया है। और फरजाना को तो बस कुछ ना कुछ काम में लग जाती है वो, तो बस अभी यहाँ पर मम्मी और वो रख रही हैं। तो भाई आज खाने में बना रही हूँ मैं फरजाना और उसकी बेटियों के लिए स्पेशली यखनी पुलाव और ज़रदा। और नाश्ता सभी का हो गया है, सुबह मैंने चाय पराठा बना दिया था सबके लिए, तो सबने नाश्ता कर लिया है इसके लिए मेहमान देखी। तो बस अभी मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ जो कि लगता है बहुत टेस्टी, और काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं, क्योंकि बिरयानी ज़्यादातर बनाती रहती हूँ, क्योंकि बिरयानी सबको अच्छी लगती है और बिरयानी का एक अपना मज़ा होता है, लेकिन यखनी पुलाव भी तो क्या कहेंगे। फर्स्ट टाइम खाएंगी मेरे आपका बिरयानी, थोड़ी सी सिंपल होती है बनाने में, ईजी होती है बिरयानी, मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और इसमें क्या थोड़ा सा अखनी वगैरह बॉईल करना होता है, तो इसलिए इसे बनाने में थोड़ा सा आलस करती हूँ। और बिरयानी भी तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा यखनी पुलाव हमने भगार दिया है, तो बस थोड़ी देर में बनकर रेडी हो जाएगा। और ज़रदा हमारा बन चुका है, ये देखें ज़रदा बन गया है, ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिए हैं। और आज मैंने कलरफुल नहीं बनाया, कलरफुल बना बना कर बोर हो गई, तो मैंने ऑरेंज वाला बना दिया, जल्दी से बन गया, फटाफट रेडी हो गया बनकर। तो बस अभी हम हमारी बिरयानी को, बिरयानी नहीं सॉरी, अभी हम हमारे यखनी पुलाव को रखते हैं दम पर। देखें मेरा यखनी पुलाव बनकर रेडी हो गया है, और ना ही मैंने इसमें प्याज डाली है फ्राई करके, और ना ही मैंने इसमें फूड कलर डाला है, क्योंकि यखनी पुलाव जो है ना वो सिंपल और प्लेन अच्छा लगता है, तो बस मैंने इसे सिंपल रखा है। बहुत सौंदा सौंदा सा लगता है, टेस्टी लगता है। तो बस अभी बनकर रेडी हो गया है, सब लोग नमाज़ अदा कर लें, उसके बाद मैं खाना निकालूंगी सभी के लिए। और नमाज़ के बाद इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि नाश्ता बहुत लेट हुआ था, तो फरजाना भी कहने लगी कि बाजी नमाज़ के बाद निकाल लेना, तो बस अभी माँ बेटी नमाज़ पढ़ रही हैं, उसके बाद मैं खाना निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स सब लोगों ने नमाज़ अदा कर ली है और सबके लिए खाना भी निकाल लिया है। तो बस गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वही मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।